सो व्हेन शी केम शी फर्स्ट ऑफ ऑल नॉक्ड द डोर, पहले इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। ये तो एक फॉर्मल तरीका होता है, मैनर होता है कि सामने वाले को आप अटेंटिव कर दीजिए कि आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, दैट इज़ फाइन एंड दैट इज़ वाई फर्स्ट इंप्रेशन इज़ कॉल्ड लास्ट इंप्रेशन। तो आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड्स है इंप्रेस करने के लिए, तो खटखटाया जैसे आपने, तो दैट इज़ द मैनर दैट यू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर। बट अनदर पॉइंट व्हेन यू कम, राइट, सो इफ़ यू जस्ट चेक आउट ऑफ सिटिंग, सो डू यू थिंक दैट इट्स अ कम्फर्टेबल, इज इट ओके, फाइन, शी इज़ सिटिंग ओके, राइट। तो सम पीपल कम दे सिट लाइक दिस और सम पीपल कम लाइक दिस सिटिंग और पुटिंग द हैंड्स ऑन द टेबल, सो इट इज़ नॉट गुड, ये चीज़ सही नहीं है। अब आते हैं दूसरा जो इम्प्रेशन है, अभी आई हैव नॉट स्टार्टेड योर इंटरव्यू, आई हैव जस्ट आई एम जस्ट एनालाइजिंग यू, राइट। सो सिमरन, सबसे पहले तो आप अपना फोटो बदलिए, चेंज योर फोटो, लुक फोटो। द मोमेंट यू सेंड योर CV और योर यू नो रिज्यूमे टू समबडी, तो वो आपके फोटो भी देखता है। इट्स नॉट अबाउट कि आप काली हैं गोरी हैं, आप एक्चुअली में कैसा ड्रेसिंग सेंस रखी हैं, कैसे आपने फोटो खिंचाया है, फोटो में कितना कॉन्फिडेंस दिख रहा है। इसीलिए लड़की लड़के की जब शादी लगता है तो फोटो भेजते हैं और उसमें एकदम सबसे अच्छा वाला भेजते हैं, वाई, देख के थोड़ा सा इम्प्रेस। तो सबसे पहला ये काम करेंगे फोटो वाला। अनदर, चलिए कमिंग टू द CV, तो CV इज़ ओके बट आई थिंक समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, करियर ऑब्जेक्टिव्स है और उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस है, अब यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस डाला है और वर्क एक्सपीरियंस डाला, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप मुझे डिफाइन करिए। एक्सपीरियंस जस्ट लाइक मैं आई हैव 2 months ट्रेनिंग फॉर CRRI इंस्टीट्यूट एंड एक्सपीरियंस फॉर माय वर्क। ओके, तो डोंट यू थिंक दैट CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट वाज नॉट एन एक्सपीरियंस और दैट वाज नॉट वर्क एक्सपीरियंस, वो वर्क एक्सपीरियंस नहीं था आपका, दैट वॉज ऑल्सो वर्क एक्सपीरियंस, वो भी तो वर्क एक्सपीरियंस था। तो आपने यहाँ 2 बार वर्क एक्सपीरियंस को मैंशन किया हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट मेक योर CV प्रोफेशनल, डोंट जस्ट लाइक डू द कॉपी कैट प्रिंट एंड पेस्ट टू द इंटरव्यूअर, राइट। अनदर थिंग, वेन यू मेक योर CV, बिकॉज 40% CV आर लाई CV, 40% CV जो है वो झूठी CV होती है, तो हम जैसे कहीं से कॉपी पेस्ट किया, चिपका दिया और उसको लेके चले गए और दे दिया, तो वी डोंट नीड टू डू लाइक दैट, राइट। इसलिए मैंने क्या कहा, मैंने इसीलिए हार्ड कॉपी आपकी मंगाई, दैट्स व्हाई आस्क्ड फॉर हार्ड कॉपी। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमरन, सबसे पहले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। माय नेम इज सिमरन एंड माय फादर नेम इज मिस्टर विनोद कुमार एंड माय मदर नेम इज सुनीता। My hobby is dancing and reject. Her introduction is not matching to the company's demand. आपका introduction कहीं से companies की demand से match नहीं कर रहा है। आप बताई हैं my name is Simran, yes, sir. My father name is Mr. My mother name is Mrs. My hobby is dancing. ना आपके पापा का company में काम, ना आपके मम्मा का company में काम, ना आपके नाचने का काम, डांस का काम। यस सर। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस, इसका क्या यूज है? नो यूज। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट गिव अ प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन, एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन दीजिए आप, फिर से दीजिए, गिव वंस मोर। डोंट हेजिटेट, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। हाँ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। माय नेम इज सिमरन and I have completed diploma for stenography Hindi and he is in Delhi. He is in Delhi. Sorry, he is from Delhi. Right. ये जो आपका ये वाला है system, इसको आप अब आप इंटरव्यू दे रहे हैं प्रोफेशनल, यू आर गिविंग प्रोफेशनल इंटरव्यू, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मर्यादा ऑफ द इंटरव्यू, कि हाउ विल यू यूज योर बॉडी लैंग्वेज। अनदर थिंग इज दैट, ओके, सो योर नेम इज सिमरन एंड सिमरन मीन्स द गॉड and your mamaji gave this name, that is called nomenclature. Ladies and gentlemen, I want to tell you that if you make grammatical mistakes aur aapka 40-45% rejection ka chance badh jata hai agar aap grammar ki galtiyan karte hain, grammar bhi check kiya jata hai, aap usko halke mein nahi le sakte. Aapka ek job ke liye 118 log apply karte hain
आपकी आई कॉन्टैक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी सारी चीज़ें सीवी से लेकर सब कुछ मायने रखता है. ओके, व्हेन यू प्लेस और व्हेन यू गिव द सीवी, सो व्हाट इज द मेथड एंड मैनर ऑफ गिविंग सीवी लाइक दिस? ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप जब भी सीवी देंगे, जहाँ पे भी इज्जत की बात आ जाए वहाँ दोनों हाथ लगा दो. हाय सर, गुड मॉर्निंग. तो अब ये दोनों हाथ लग गया, वैसे तो इंटरव्यूअर हाथ नहीं मिलाएगा, मैं बता रहा हूँ. तो ये दोनों हाथ लगा, ये इज्जत हो गई. और ये लगा, हैव सेंस. नाउ गिव इट टू मी बैक. थैंक यू सो मच. And I think it's not CV-based interview, it's a biodata-based interview, right? Yes, sir. So it's going to be a little interesting because it's related to your life. Yeah. So first of all, it's a CV-based interview, means you are in a company and you are going to give this interview, right? So introduce yourself first. Thank you for giving me this opportunity. My name is Ehtisham Hussain and I'm from Gorakhpur currently. I live in Jasola Vihar, Shaheen Bagh. And I have completed my 10th and 12th. From Gorakhpur, and now I'm pursuing BCom, and currently I'm in third year. It is BCom or it's BCom. BCom. Okay. You have done your BCom from Gorakhpur. Sir, I'm pursuing BCom. You are pursuing BCom from Gorakhpur. Yes. Which university is it? GPS Snatkottar Mahavidyalaya. GPS Snatkottar Mahavidyalaya. Yes, sir. Why three letters in English and why two words in Hindi? Why is it not degree college? Why is it Mahavidyalaya? Sir, I didn't find anywhere. Sir, I have searched on the internet, but I didn't find. Okay. And I also didn't find the full form of GPS. You didn't find it? Yes, sir. Is it that GPS like which? GPS. Which hacks everyone? That GPS to find out the routes to... Not that GPS? Sir, I don't know. You don't know that? Yes, sir. What is your relation with 377? 377? Okay. Actually, sir, from my since my childhood, I followed my elder brother. Hmm. So, he has create his email from for 377. Okay. So I also copied him. You also copied the same email, right? 377. Yes, so this 377 has been mentioned in your email ID or email address, yes, right? Sir. Okay, fine. What is your relation with actually 6055? 6055. Oh, sir, it is my last digit of my number. Last digit of your contact info, contact number, right? These questions are not asked in the interview, but I am asking to just check you. Your relation with 2000 to 000? It's my born year. It's your birth year. Birth. You were born in 2000. Okay, what was the date that you were born? 26 October. October is quite famous for one thing. Could you please tell me that? In October also there... There's Mahatma Gandhi was born on 2nd October. 2nd October, great. Mahatma Gandhi was born on 2nd October. Are you the follower of Mahatma Gandhi? Yeah, I am the follower of Mahatma Gandhi because really? He is a great man. He was a great man. You follow Mahatma Gandhi only for the currencies or for some good things? Good things too. Okay, can you pass your life, survive your life without Mahatma Gandhi? Yeah, of course. Not at all? No. If I talk about currency, so no, I can't. Mahatma Gandhi is really very important for surviving the life.